नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जी सी श्रोतिया जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं अमरीश जी को जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, अभी सूरत में मतलब कौन सी खेती की जाए? जैसे 2-3 एकड़ अभी हमारे पास जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें कौन सी नकदी फसल की जाए जो अच्छा मुनाफा ले आवे 3 से 4 महीने में, वो भी ऑर्गेनिक में। देखिए अभी जो आप फसल लगाएंगे फरवरी और मार्च के महीने में, तो वो आपको बारिश से पहले कट जानी चाहिए। तो ऐसी फसलों में जो फसल है उसमें आप बैसाखी मूंग ले सकते हैं, चाहे मक्का ले सकते हैं। मक्के का हरा भुट्टा भी बाजार में काफ़ी अच्छे भाव से बिकता है। और रही बात अगर आप प्रतिदिन कुछ कमाना चाहते हैं तो सब्जियाँ लगानी पड़ेगी। बहुत सी सब्जियाँ आप लगा सकते हैं जो खीरा वर्ग की सब्जियां हैं, जैसे करेला, घिया या आल जिसको आप बोलते हैं। तरबूज खरबूज लगाने का भी यही समय होता है। तो सब्जियां कई सब्जियां लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, इनके पौधा आप लें और जो दूसरी सब्जियां हैं उनका बीज लगाएं। तो सब्जियों के लिए ये बहुत अच्छा मौसम है फरवरी मार्च का, इस तरह से आप नकदी फसलें ले सकते हैं। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, प्रदीप जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आपका सवाल आया था। अगर वो आपका नमूना नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, कई दूसरी संस्थाएं या जगह हैं जहां आप अपना मिट्टी का नमूना भेज सकते हैं। आपके पास अगर इफ़को या क्रिपको या और किसी खाद के कंपनी, चंबल, इन सब के यहां भी मिट्टी की प्रयोगशाला हैं, तो इनके प्रतिनिधि को जो आपके यहां हैं उनको आप अपने मिट्टी का नमूना दे देंगे तो ये आपके मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। वहाँ कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं है कि आपको कितनी क्षेत्र है आपके पास या कितना रकबा आपके पास है। एक तो ये बात हुई। इफ़को का कोई सेवा केंद्र होगा, कृषक सेवा केंद्र, या क्रिपको का होगा, चंबल का होगा, या उनके जो डीलर हैं खाद विक्रेता उनसे पता कर लें और उनकी मदद से आप नमूना जो अपनी रबी की फसल है उसकी कटाई के बाद दे दें तो आपको समय पर खरीफ के लिए सिफारिशें मिल जाएगी, मिट्टी के नमूने का जांच हो जाएगा। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर जैसे सरकारी संस्थाएं होती हैं तो उनमें मिट्टी के जांच के लिए क्या क्या नियम होती हैं? ऐसा है कि उनको हर एक किसान की मिट्टी का जाँच करना चाहिए, लेकिन जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये निश्चित किया है कि एक बड़े रकबे के लिए एक प्रतिनिधि नमूना लेते हैं और वो सब पे लागू हो जाता है। लेकिन उस प्रतिनिधि नमूने में अगर मान लीजिए हमने 25 हेक्टर का लिया है या 10 हेक्टर का लिया है तो कई किसान हैं और उनकी अगर फसल प्रणाली अलग अलग है तो हो सकता है कि उनकी उर्वरा शक्ति भी अलग हो खेत की, और उनके जो कृषि कार्यक्रम उन्होंने लिए हैं, जो खाद डाली हैं, जो फसलें पहले ली है, जो सिंचाई का प्रबंध का तरीका है, उसके हिसाब से मिट्टी की उर्वरता घट बढ़ सकती है। तो चाहिए तो ये कि हर एक जोत का नमूना हो, अगर वो संभव नहीं है तो बड़े क्षेत्र पे, बड़े पैमाने पे हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी अधिकांश किसी खास तत्व में कमी है, तो एक मोटे तौर पर पता लगता है कि इस मिट्टी, यहाँ की मिट्टी में जीवांश कम है या नाइट्रोजन कम है या फॉस्फोरस कम है, तो वो बड़े पैमाने पर तो सही है। लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पे अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी है तो वो एक प्राइवेट संस्था से भी करा सकते हैं कई, तो वो जरूरी है कि आप अपने खेत की जांच, मिट्टी की जांच करवा लें। जी सर। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, प्रदीप शर्मा जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल।
नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैं एक साल पहले आपका ग्रीन टीवी पे प्रोग्राम देखा था जी। तो उस टाइम में ये एक पटना के किसान थे, उन्होंने अपना जो खुद का जाल डेवलप किया था जी, और काफी अच्छा लगा था मुझे वो। तो कोई कैसे अवेलेबल होगा वो बता पाएंगे आप? जाल जो है वो पूरे खेत के लिए है, जहाँ आप बगीचों पे लगाते हैं। दूसरे जाल आप लगाते हैं अपना जो ग्रीन हाउस बनाते हैं, जिसमें शेड नेट या नेट हाउस इस तरह से लगाते हैं। और अगर सब्जी बनाने के लिए खास करके ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा रहता है इस तरह से जाल लगाना। तो आपका जाल लगाने का उद्देश्य क्या है? अगर सब्जी का है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके हरियाणा स्टेट का जो हॉर्टिकल्चर मिशन है उससे आप सलाह लें, और वहाँ आपको अनुदान और सब्सिडी भी मिलेगी। तो जो आपके ज़िले में अपने जो कृषि अधिकारी हैं और जो बागवानी अधिकारी हैं उनसे थोड़ा संपर्क करिए, वो आपको क्या आर्थिक सहायता सरकार देना चाहती है जाल लगाने पे, और किस तरह का लगाना चाहिए, कितना बड़ा लगाना चाहिए, इस सब की पूरी जानकारी आप देंगे। और अगर आप देखना चाहें तो घरौंदा में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास तो काफ़ी सुविधा है ये जानकारी लेने के लिए और एक अपना कार्यक्रम बनाने के लिए कि आप किस तरह कितना बड़ा किस काम के लिए जाल लगाना चाहते हैं। जी सर, ये हमारे तो मेरी नॉर्मली खेती है, उसके लिए यूज करना चाह रहा था मैं। अगर आपने किसी चीज़ की नर्सरी लगाई है और बहुत गर्मी होती है और आपको थोड़ी छाया करनी है, या आपने फल की खेती करनी है, फूलों की खेती करनी है, तो वहाँ जाल लगाना लाभप्रद है। वरना अगर आप चावल गेहूँ कर रहे हैं तो जाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात तो सही है। हाँ जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, फिलहाल पूछिए अपना सवाल में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पूछिए अपना सवाल। सर, अगर हम फूलों की खेती करें तो वो पॉली हाउस में फूलों की खेती करना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर खुले खेत में? कुछ फूल हैं जो खुले खेत में भी हम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राकेश जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ नमस्कार जी, आपका सर सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैं डेयरी करना चाहता था, तो हमें गाय अच्छी नस्ल की कहाँ मिलेंगी, और जो हमारा दूध उत्पादन होगा उसको हमारे जिले में बिक्री केंद्र या इस तरह का अन्य कोई स्रोत हो क्या, उसमें सब्सिडी मिलती है, दाना चारा जो मिलता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। राकेश कुमार जी, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप डेयरी लगाने का सोच रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो डेयरी के विकास के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। आपने कामधेनु डेयरी योजना के बारे में सुना होगा, इसमें जी, आप जी, सर, मैं जिले पे गया था तो वहाँ बताया कि लक्ष्य पूरा हो चुका है। अच्छा, लक्ष्य इस साल पूरा हो चुका है, ये मार्च 2017 तक की ही योजना थी, तो हमें नई योजना का इंतजार आगामी वर्ष से करना पड़ेगा यदि हमें कुछ अनुदान, सरकारी अनुदान प्राप्त करना है तो। और रही अधिकारी, अपने जिला के पशुपालन अधिकारी से संपर्क किया था जी, हाँ, तो उन्होंने बताया था नाबार्ड से आप कोई जानकारी लीजिए, वहाँ की योजना है। तो नाबार्ड की जानकारी आपको बैंक के माध्यम से मिल जाएगी। आपका जो बैंक है, जो नोडल बैंक है, जहाँ कृषि संबंधी ऋण मिलते हैं, वो बैंक आपको इस तरह की सूचना देंगे। आपने गायों की बात की, अच्छी नस्ल की गाय, तो दो तरीके से काम हो रहा है। एक तो जो हमारी संकर गाय है बाहर से, जिसमें संकर जर्सी है या होल्स्टीन हैं, HF क्रॉस ब्रीड हैं इन पे, या हमारे जो देशी ब्रीड हैं साहिवाल, इन पे भी योजना है, और योजना लागू होकर के आपको ऋण मिल सकता है। मैं सर जो है पशुओं को राजस्थान या हरियाणा से लाने का सोच रखा था, तो कुछ लोकल स्तर के लोगों ने बताया कि वहाँ की गाय हमारे वहाँ जलवायु में टिकती नहीं है, ऐसा क्या है सर? ये बात सही है कि हर जलवायु की अपनी गाय है, क्योंकि राजस्थान और आपका जो इलाका है महाराजगंज का, उसके मौसम में फ़र्क है। लेकिन हम अगर अच्छी खुराक लेते हैं तो यहाँ भी, जैसे पहले हमें ये शिकायत थी कि
जो जर्सी गायें हैं यहाँ ठीक से नहीं काम कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आदी हो जाती हैं। आपके यहाँ की साहिवाल नस्ल ले लें, और बरेली में इज़त नगर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है देशी गायों के संवर्धन का, तो उनसे भी जानकारी ले लें। अभी एक नई जो खोज हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि देशी गायों का जो दूध है उसमें एक खास विटामिन होता है और उसकी ज़्यादा मांग है और उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है, तो उसके संवर्धन का खास कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, वाहिद पटेल जी से, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। अरे मैडम वही मैडम, वो चिल्ली टमाटर के लिए तो ये चेरी टमाटर आप चाहते थे कि खेत में लगाएं, तो ये ऐसी सलाह तो हम नहीं देंगे, क्योंकि ये एक ऐसे तापमान में बढ़ते हैं जहाँ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, तो बाहर आपके यहाँ कर्नाटका में तो धूप ज़्यादा हो जाती है या मौसम अनुकूल नहीं रहता। और इसमें आपने देखा होगा कि प्रति पौधे, हर पौधे को हमें बहुत देखरेख करनी पड़ती है, तो बाहर तो नहीं संभव है, छोटे पैमाने पे लगाएं, पूरे खेत में ना लगाएं, बड़े उसमें, ताकि हम इसको साथ सवार ठीक से कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, बलवंत सिंह जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैंने 3 कनाल जमीन के अंदर जी पॉलीबैग कार करना है। जी पानी खारी है, मीठे पानी का हमारे पास दूसरी जगह अर्जमेंट है जी, वहाँ से हम मीठा पानी टैंकर से लेकर आएंगे जी, तो एक बार में कितना पानी चाहिए उतना हम वो जमीन के अंदर उबाएंगे टैंक, जिसकी सिंचाई जो है हम या तो ड्रिप से करेंगे या वाटर सिस्टम से करेंगे, तो एक बार में हमें कितना पानी चाहिए? देखिए जब आप लगाएंगे तो ड्रिप से लगाएंगे या उस तरह से करेंगे ये उस पर निर्भर करेगा, और ड्रिप को लगाने का पैसा आधा एकड़ में अगर ग्रीन हाउस में लगाएंगे तो अलग होगा, तो आपके तो इसकी एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब ड्रिप लगाते हैं तो प्रतिदिन हमें पानी छोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका खारा पानी है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है, ताकि आपको दूर से पानी ना लाना पड़े, तो उसके लिए टैंक में अगर आप जिप्सम रख करके और उससे पानी बहाएंगे तो पानी को जिप्सम के ऊपर से गुजारेंगे तो वो एक तरह से ठीक हो जाएगा, अगर जिप्सम नहीं है तो सीधा गंधक के तेजाब से भी पानी का उपचार कर सकते हैं, और ये अच्छा पानी आप काम में लेते हैं, तो पानी में जो घुलनशील नमक है वो नीचे बैठ जाएंगे और स्वच्छ साफ पानी आपको सिंचाई के लिए मिल जाएगा। तो एक कुंड में आप सीमेंट का एक टंकी बना के ये प्रयोग कर लीजिए, उसके लिए आपको अपने पानी की जांच करवानी होगी, ताकि उसकी ये मात्रा हम देख सकें कि कितने जिप्सम पे से पानी को गुजारना है, तो उसके लिए सबसे पानी की जांच आवश्यक है, अगर कोई भी मिट्टी की प्रयोग जांच प्रयोगशाला आपको पानी का जांच भी करके देखते हैं, तो उसमें पीएच और ईसी दो मुख्य मुद्दे हैं जिन पे वो जांच करके आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है जी, ठीक जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर अगर हम फूलों की खेती करें तो वो पॉली हाउस में फूलों की खेती करना ज़्यादा फायदेमंद होता है या फिर खुले खेत में? कुछ फूल हैं जो खुले खेत में भी हम कर सकते हैं जैसे, और कुछ जो हम जिनको विशेष प्रयोजन से लगाते हैं जी, तो वो चूंकि हम चाहते हैं सुनिश्चित ढंग से वो हों, एक ही आकार के हों, एक ही रंग के हों, एक ही उनको वातावरण मिले, तो एक नियंत्रित अवस्था में उसको लगाना अच्छा रहता है। ऑर्नामेंटल जो फ्लावर होते हैं उसको, फ्लावर हैं या जो खुले में नहीं है और हम लगाते हैं, जो टेम्परेट जो सर्द इलाके हैं उनका फ्लावर हम लगाना चाहते हैं, तो एक तरह से पॉली हाउस में हम बनावटी ढंग से वो पैदा करते हैं वातावरण जी, तो जरबेरा और इस तरह जो खुले में नहीं है और हमारे अपने यहाँ के नहीं हैं, लेकिन अगर हम गुलाब की खेती गुलकंद के लिए कर रहे हैं जी, तो खुले में कर सकते हैं, अगर हम फूल की डंडी लेने के लिए कर रहे हैं तो निसंदेह हमें पॉली हाउस में करने का लाभ रहेगा, तो इस तरह कुछ फूलों की कैसी जैसे गेंदा जी, गेंदा हम बाहर भी लगाते हैं और अच्छा लगा लेते हैं जी। सर तो दोस्तों सवालों और जवाबों का सिलसिला ये यूं ही रहेगा जारी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टीचरिंग का ट्रेनिंग लेना है, कहाँ लूं?
सरकार के तरफ से जिला फिशरी डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर हैं और ब्लॉक लेवल पे भी फिशरी के लोग काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहते हैं, अमित चौधरी जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आप मोती की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मैडम मुझे उसके बारे में पता करना है कैसे होगी मोती की खेती, कैसे होगी? जी हाँ, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हो भी जाएगी या नहीं? जी मोती की खेती आपके यहाँ भी संभव है। अच्छा, ऐसे में मुजफ्फरनगर में हो जाएगी? हाँ जी, लेकिन आपको इसके थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जो दुविधा आपको आएगी वो उसकी सीप इकट्ठी करने की होती है। सीपी होती है ना, जिसमें मोती बनता है। जी हाँ, तो उसका पास में क्या स्रोत रहेगा और कहाँ से आप ये सीप इकट्ठा करेंगे? तो इसमें आपको एक तो प्रशिक्षण लेने की जरूरत है और ये पानी का एक तालाब लगाना पड़ेगा जिसमें आपको जो सीप जिसमें आप मोती पैदा करना चाहते हैं वो रखने पड़ेंगे। करीब 18 महीने तक एक मोती को बनने का समय लगता है। तो बहुत धैर्य का काम भी है और सीप इकट्ठे करने का काम भी है, क्योंकि सीप में ही मोती पैदा किए जाएंगे। और अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज और एक्वा कल्चर, क्योंकि ये पानी में सीप रखी जाएंगी और वहाँ ये मोती बनेंगे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर जो भुवनेश्वर में है, वहाँ से आप संपर्क करके इसका पूरा प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसका जो प्रशिक्षण वगैरह है ये इसमें यूपी में नहीं मिल सकता कहीं मेरठ साइड में, इधर दिल्ली में हो या? आपके यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ बात करके देख लीजिए। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर जैसे मोती की खेती में जो है वो लागत कितना लग जाता है अगर एक एकड़ में? एक एकड़ में 10-15 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीप इकट्ठे करने पड़ते हैं बंद जी, तो वो मिलना मुश्किल, वो मुश्किल होता है। वो कहीं कहीं तो मिलता होगा? हाँ मिलते हैं ना, जो तालाब हैं नदी हैं जहाँ सीप पानी थोड़ा ठहरा हुआ है और सीप बनती है, समुद्र के किनारे में भी सीप होते हैं, तो जो हमारे समुद्र के किनारे वाले प्रदेश हैं वहाँ ये ज़्यादा कल्चर का काम होता है। जी सर, तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, टीपू सुल्तान जी से, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। फिशरिंग का ट्रेनिंग लेना है, कहाँ लूँ इंडिया में? सरकार के तरफ से जिला फिशरी डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर हैं और ब्लॉक लेवल पे भी फिशरी के लोग काम कर रहे हैं जी, तो वहाँ आप संपर्क करें। और भुवनेश्वर में कल्याण गंगा भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी और एक्वा कल्चर है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट वाले आपको वहाँ नॉमिनेट करेंगे, वहाँ आपका नाम भेजेंगे तो वहाँ आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। सरकार की तरफ से इफ्को किसान संचार लिमिटेड के माध्यम से कई सूचनाएं आपको बराबर आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले, ऐसी भी व्यवस्था है जो बहुत जो दोनों जो समुद्री मछुआरे हैं उनको भी ये सूचनाएं दी जाती है कि कैसे उनको काम करना है, और जो तालाब लगा के काम कर रहे हैं उनके लिए भी सूचना, प्रतिदिन क्या खाना होना चाहिए मछली के लिए, मछली का बीज कहाँ से मिलेगा, तालाब के कैसे रख रखाव करेंगे, ये सारी बातों की जानकारी बहुत बड़े पैमाने पर आपके यहाँ विभाग से चल रही। तो अपने जिला मछली पालन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर से थोड़ा संपर्क करें तो आपको सही सलाह मिल जाएगी। जी धन्यवाद सर। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हाल ही में हमारे पास ईमेल के जरिए एक सवाल आया है अभी मधुराई जी का, जो कि तेलंगाना में रहते हैं। सर ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कंप्लीट डिटेल तरुण सेसेमा सीड वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी अवेबिलिटी ब्लैक और वाइट में कहाँ कहाँ होगी और कैसे इन्हें मिल सकता है? एक जागरूक किसान है ये, जो हमेशा नई किस्मों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तरुण जो किस्म है
अभी पूरे देश के लिए तो नहीं इसकी सिफारिश की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिश हुई है और ये चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर वालों ने निकाली है। सफ़ेद रंग की है, इसमें लगभग 50% तेल है और इसकी उपज लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ जी। तो इस तरह से इसके उपज है, लेकिन उसका बीज तेलंगाना में मिलेगा या नहीं अधिवाई को ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये बीज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंड हुआ और कानपुर से निकला है, तो उनको वहाँ पर इस विश्वविद्यालय से संपर्क करके कुछ बीज मंगा लेना चाहिए जी। और सर, इसकी खेती करने के टाइम में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं, साधारणतया जो तिल की खेती है वैसी ही खेती है, सिर्फ किस्म की बात थी, तो ये सफ़ेद किस्म है। ये किस्म इसलिए विकसित की गई है कि इसमें जो पत्ती मरोड़ रोग होता है, जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, जो कि तिल में आम सी बात है, तो रोग निरोधक किस्म होने से इसकी विशेषता है, इसीलिए इसकी सिफारिश की गई है जी सर। वरना आम जो तिल की खेती करते हैं वैसी ही खेती करनी है जी सर। तो अभी जी आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।